हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। सो है गाइस, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे किशनगंज से किशनगढ़ तक जाने के लिए हफ्ते में कौन कौन सा ट्रेन है, ट्रेन का नंबर क्या है, टाइम टेबल क्या है, कितने बजे आपको मिलेगा किशनगंज में, कितने बजे आपको छोड़ेगा किशनगढ़ में, और ये ट्रेन कौन कौन सा लाइन रूट से जाएगी, इस गाड़ी का टिकट किराया कितना पड़ेगा। तो सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबाना, बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबाना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, तो गाड़ी नंबर है 19616, यह 5:27 सुबह मिलेगा किशनगंज में, उतारेगा दूसरे दिन 5:22 शाम को किशनगढ़ में, और यह ट्रेन हफ्ते में एक ही दिन है जो कि सिर्फ जुमा के दिन। इस गाड़ी का नाम है उदयपुर सिटी कवि गुरु एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेन है किशनगंज से किशनगढ़ जाने के लिए। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का लाइन रूट की कौन कौन सा स्टेशन से जाएगी, कौन कौन सा स्टेशन में इसका स्टॉपेज है। जैसे ये ट्रेन किशनगंज से खुलती है, बारसोई जंक्शन, कटिहार जंक्शन, नौगछिया, खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय, बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, छपरा जंक्शन, सिवान जंक्शन, भटनी जंक्शन, देवरिया सदर, गोरखपुर जंक्शन, मनकापुर जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या कैंट जंक्शन, लखनऊ चारबाग, कानपुर सेंट्रल, कानपुर अनवर, कानपुर अनवरगंज, कन्नौज, उसके बाद आ जाता है गुरसहायगंज, उसके बाद फरुखाबाद जंक्शन, फिर कासगंज जंक्शन, हाथरम सिटी, मथुरा जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, बादीकुई जंक्शन, गांधी नगर जयपुर, और जयपुर जंक्शन किशनगढ़। सो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लाइन रूट है, जितने भी स्टेशन का नाम लिया सभी स्टेशन से गाड़ी चलती है और सभी स्टेशन में इसका स्टॉपेज भी है। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का टिकट किराया। तो स्लीपर क्लास का आपको पड़ जाएगा 685 रुपये, और थर्ड ए सी का 1830 रुपये, और टू ए सी का 2655 रुपये, और फर्स्ट ए सी का 4515 रुपये। सो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का टिकट किराया जो मैंने बताया सेम है। टिकट को आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो सेम लगेगा, ऑफलाइन किसी रेलवे स्टेशन द्वारा बनाएंगे तो भी सेम लगेगा, या फिर किसी एजेंट द्वारा इस टिकट को बनवाते हैं तो कुछ रुपये चार्जेस ले सकता है। सो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से किशनगंज से किशनगढ़ जाने वाली ट्रेन उदयपुर सिटी कवि गुरु एक्सप्रेस का जो मैंने फुल एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल में नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा दें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।